गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। वेलकम टू नव भारती स्टडी सर्किल। मैं संजू शर्मा आज आपको हिंदी विषय की जो हमारी वार्षिक पाठ योजना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह हमें ये डायरी अपने प्रायोगिक परीक्षा के लिए तैयार करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रैक्टिकल होता है जो हमारे 75 मार्क्स का होता है। बच्चों, ये जो हम डायरी बना रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण की, ये डायरी हमारी जो दैनिक पाठ योजना की डायरी है उससे हमारे इसका बनाने का थोड़ा अलग तरीका होता है। हमें किस तरीके से ये डायरी बनानी है ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। हमें पता है कि हम जब हिंदी भाषा शिक्षण का या हम कहें किसी भी भाषा शिक्षण का हम लेसन बनाते हैं उसके हमारे जो हमारा तीन तरीका होता है, हमें कहें गद्य का हमें अलग बनता है और हमारा पद्य का हम अलग बनाते हैं, व्याकरण का हम अलग बनाते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग विधाओं का अलग अलग तरीके से हम लेसन बनाते हैं। आज जो हम लेसन बनाने जा रहे हैं वो हमारा पद्य भाग का है, जो एक पद्य भाग का एक कविता के रूप में हमारा लिया हुआ है कि किस तरीके से हमें वो लेसन बनाना है। सबसे पहले विद्यार्थियों, हमसे सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से कि वो अपने डायरी के प्रथम पेज से अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। हमें सर्वप्रथम हमारा जो प्रथम पेज है उससे हमें डायरी का कार्य प्रारंभ नहीं करना है, हमें उसके द्वितीय पेज के राइट साइड से हमारा कार्य प्रारंभ करना है। और जो हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं द्वितीय पेज के राइट साइड से, उसमें सर्वप्रथम हमें ऊपर जो है हमारे श्यामपट आपूर्ति करनी होती है। हमें जो हम ब्लैक बोर्ड पर आपको सिखाते भी हैं जब हम लेसन बनाना सिखाते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जो हिंदी विषय का है कि हमें यहाँ पर हमें विधा लिखनी होती है कि हम किस विधा का बना रहे हैं। जैसे हम जो आज बना रहे हैं ये हमारा गद्य का है, लव कुश जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें इसे अंडरलाइन, सबसे पहले हम जो हमारा प्रकरण होता है उसे हमें रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। जो विद्यार्थी छात्र अध्यापक हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें हमारे प्रकरण को हमें रेखांकित करना है। इसके बाद में जब हमारी श्यामपट आपूर्ति कंप्लीट हो जाती है उसके नीचे हम आते हैं, हमारे शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं या हम उसे विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं, और इन उद्देश्यों के जो दो कॉलम हम बनाते हैं कि एक तरफ हमारा शिक्षण उद्देश्य और एक तरफ हम हमारे व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं। इसमें हम हमारे जो उद्देश्य हैं उन सभी उद्देश्यों को हम लिखते हैं। इसमें हमारा जो सर्वप्रथम हमारा जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, फिर हमारा अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्य है, फिर हमारा अभिविताक्त्मक उद्देश्य है। इन सभी उद्देश्यों का हमें, जैसे जो प्रथम उद्देश्य है हमारा, इस उद्देश्य में हम भाषा तत्वों का ज्ञान लेकर चलते हैं, इन सब के हमें दो दो पॉइंट हमें बनाने होते हैं। जैसे अर्थ ग्रहण के भी हमारे दो पॉइंट होते हैं और अभिधात्मक उद्देश्य के भी हमारे दो पॉइंट होते हैं। बाद में हमारे ये सारे जो हमारे कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुचात्मक उद्देश्य, अभिरुतात्मक उद्देश्य, अभिवृतात्मक उद्देश्य, इन सभी उद्देश्यों का हमें सबके हमें दो दो पॉइंट हमें लिखने होते हैं। आगे इसके बाद में जब हम शिक्षण उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य करने के बाद में हमें हमारी शिक्षण विधि और प्रविधि का नाम डालना होता है कि हम कौन सी तो विधि काम में ले रहे हैं इसे पढ़ाने के लिए और कौन सी हम इसके लिए प्रविधि काम में ले रहे हैं। साथ में उसके नीचे हम सहायक सामग्री का लिखते हैं कि सहायक सामग्री हम जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम कौन कौन सी कक्षा उपयोगी सामग्री काम में लेते हैं, चाहे वो हमारी यहाँ हम या ना हम जो सामग्री काम में लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें अगर हमें हम किसी तकनीकी के माध्यम से हम पढ़ाते हैं तो हम उसका नाम डालते हैं। हम ये देखते हैं हम स्लाइड से पढ़ाते हैं, हैंड प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, उन सभी चीज़ों का हमें यहाँ वर्णन करना होता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री यहाँ काम में
ली है। इसके बाद में आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो होता है वो हमारे हमारा जो प्रकरण होता है उसके बारे में हम लिखते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थी लवकुश पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो टॉपिक होता है उसके बारे में हम सामान्य जानकारी लिखते हैं, ये हमारा पूर्व ज्ञान होता है। इसके बाद में हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिसमें हम दो कॉलम बनाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान की बात यह है कि हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो हम जिगजैग से बनाते हैं, यानी कि हम आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है अयोध्या के राजा कौन थे, तो राजा दशरथ। राजा दशरथ के पुत्र कौन थे, राम लक्ष्मण और भरत। इस तरीके से हमारा ये जो जिगजैग का चलता है आंसर से हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक संभावित होता है, क्योंकि वही हमारा प्रकरण निकल कर आता है। इसके बाद में हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन होता है हमारा जो हमारा प्रकरण होता है उसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है विद्यार्थियों आज हम लवकुश पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें कि राइट साइड तो हम अपना कॉलम बनाएंगे जिसमें हमारा प्रथम होगा शिक्षण सोपान। हमने देखा है कि जो हमारी और हमारे विषय हैं उसमें हम लिखते हैं शिक्षण बिंदु, लेकिन हम हिंदी में लिखेंगे शिक्षण सोपान। उसके बाद में सेकंड कॉलम होगा हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड होगा हमारा विद्यार्थी क्रिया, और साथ में अगर हम विधि का कॉलम यहाँ लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम विधि के लिए वहाँ पर वर्णन कर चुके हैं। अगर विधि का बनाना है तो हम एक विधि का बनाते हैं और एक शामपट का बनाते हैं, ये हम कॉलम बनाते हैं। और लेफ्ट साइड हम हमारी सहायक सामग्री का कॉलम बना के और यहाँ हम अपने जो हमारा शिक्षण सोपान है, हमारा प्रकरण है, उससे संबंधित हम यहाँ पर हमारा जो मिनेचर लगाते हैं, सहायक सामग्री हम यहाँ पर लगाते हैं। अब हमने देखा है कि यहाँ पर जो एक पेज हमने फोल्ड किया हुआ है ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को पुस्तक से आदर्श वाचन करवाते हैं तो ये वो पुस्तक का मार्क होता है कि किस तरीके से हमने कितना चैप्टर लिया है, किसका हम आदर्श वाचन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम छात्र अध्यापक क्रिया में इसे हम जो आदर्श वाचन कर रहे हैं वो पुस्तक मार्क बनाकर हम यहाँ पर लगाते हैं। इसके अंदर हम फिर हमारे जो सेकंड हमारा शिक्षण, फर्स्ट हो गया हमारा शिक्षण सोपान आदर्श वाचन, फिर हम करते हैं इसमें अशुद्धि संशोधन, जो हम के उच्चारण से और लिखित में जो हमारे अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर आता है हमारा काठिन्य निवारण, जो हमारे शब्दार्थ होते हैं, हमारे हार्डवर्ड्स होते हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर काठिन्य निवारण के बाद में जो बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है, उच्चारण करने में और लिखने में, उनका करते हैं। इसके बाद में हम शब्दार्थ लिखते हैं, जो एक तरफ शब्द लिखकर और एक तरफ हम उसका अर्थ लिखते हैं। और साथ में यहाँ विद्यार्थी क्रिया में भी हम अपना कार्य करते रहते हैं, जो बच्चों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। साथ में ये हमारा शामपट है, जो शामपट पर हम जो कार्य करते हैं वो हम यहाँ पर लगाते हैं। इस तरीके से बच्चों हमें ये एक आदर्श वाचन के लिए हमारा एक बुकलेट बनाना है और इसे हमारे एक जो छात्र अध्यापक क्रिया है, जो हमने आदर्श वाचन किया है छात्र अध्यापक क्रिया में, हमें इसे लगाना है और बाद में हमें इसे फोल्ड कर देना है। ये हमारे सभी इसमें विभिन्न इसके सोपान चल रहे हैं, शिक्षण सोपान, और सहायक सामग्री हमें इसमें लेफ्ट साइड में लगानी है। अंत में हम इसमें जो हमारे छात्र अध्यापक हैं वो बोध छात्र शिक्षक हमारे इसमें शिक्षण सोपान में बोध प्रश्न होते हैं, हम उसके बारे में बोध प्रश्न पूछते हैं बच्चों से कि कौन कौन से हमारे इसके लिए बोध प्रश्न बनाए जाते हैं इस चैप्टर में से, वो बोध प्रश्न हम लिखते हैं। बोध प्रश्न के बाद में हम लास्ट में हमारा मूल्यांकन प्रश्न करते हैं कि किस तरीके से हमें इसमें जो मूल्यांकन प्रश्न उनका विभाजन करना है। जैसे हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं,
फिर वस्तुनिष्ठ में हम क्या करते हैं कि ऑप्शन वाले भी बनाते हैं और हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले बनाते हैं। फिर हम एक शब्द वाले यानी कि लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न हम बनाते हैं। पहले हम अति लघुतरात्मक बनाते हैं और फिर हम लघुतरात्मक प्रश्न बनाते हैं और एंड में हम जो हमारा गृह कार्य होता है। लेकिन हमारे फाइनल लेसन में हम हमारा गृह कार्य नहीं लिखते हैं। ये हमारा लेसन है हिंदी शिक्षण के गद्य विधा का है ये, और आगे पद्य का और व्याकरण का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद। ये हमारा आज का लेसन था।